मंगलपुर थाना क्षेत्र के कस्बा मंगलपुर में एक नाबालिग छात्रा का उसके घर के कमरे में ही संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर झूलता शव देख परिजनों में चीख पुकार मच गई। मृतिका साहिबा अपने दो छोटी बहनों के साथ घर में अकेली थी। उसके पिता आरिफ इलाज के लिए इटावा गए हुए थे। साहिबा और उसकी दो छोटी बहनें घर में ही अकेली थी, जो शाम को सकुशल खा पी कर सो गई थी। सुबह जब छोटी बहनों ने उसको अपने पास नहीं देखा तो उसे ढूंढा, देखा कि साहिबा कमरे में फांसी पर झूल रही है, जिसे देखकर घर में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास में रहने वाले लोगों से पूछताछ शुरू की। मामले को संदिग्ध देखकर फॉरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए, शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट आने पर कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद। कहाँ निवासी है? मंगलपुर। कैसे ये घटना हुई है सर? हम इटावा गए थे दवाई लेने के लिए, बच्चे के लिए, अपने और हमारे घर से जो थी। उसके बाद जब लौट के आए हम, तब यहाँ पर ये हादसा हुआ कि रुपया भी निकल गया 70,000-80,000 का, जेवर भी चला गया। ये हादसा हुआ, यहाँ पर फांसी लगा दी उसकी। कौन ले गया रुपया, क्या कहते हैं? ये रुपया जो ले गया है उसकी फोटो है हमारे पास, पक्के तलाव का है वो। अच्छा, बच्ची पे कोई मतलब पढ़ाई ले, कोई तनाव, कोई दबाव? ना ना, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं, हम लोग खुशी खुशी पढ़ाते लिखाते हैं। कितने क्लास में पढ़ती थी बच्ची? हाई स्कूल पास हो गई थी। कितने साल की थी? 16 साल की होगी। क्या था बेटा मामला, कल क्या हुआ था? पक्के तालाब का एक आमेर आया था है, इधर तखत के नीचे दुब गया था है। फिर अकबर भैया आए थे और आसिफ भाई, उसको देख लिया उधर टेम्पो से बैठे हुए, इनके छत से आया था वो, इधर छुप गया। फिर उन्हें रोशनी से ढूंढा, उसे मिल गया, फिर उन्हें बेड में बिठा ला। वो कह रहे थे कि तुम कौन हो? वो कह रहे हम आमेर हैं पक्के तालाब के। कह रहे यहाँ क्या करने आए हो? अकबर भैया कह रहे यहाँ क्या करने आए हो? वो कह रहे थे कि हम कुछ नहीं, साहिबा ने बुलाया है हमें। उसके बाद क्या हुआ बेटा? साहिबान बुलाया, फिर उसको वो कह रहे थे कि हमें मिलना जाना इस गली में। वो कह रहा ठीक है हम, वो फिर भाग गया। फिर साहिबा हमारे पास, हम तीनों लोग लेटे रहे हैं, फिर लेटे रहे हम लोग हैं, फिर लेटे रहे, फिर टीवी चलाई। वो कह रही हमारे सर दर्द कर रहा, टीवी बंद कर दी। फिर हम लोग लेटे रहे, फिर हम लोग सो गए। फिर 12-1 बजे उसने अंदर गई, फांसी लगा ली हैं। और हम लोग सुबह उठे, हम लोग खटिया में देखा बिस्तर में वो है नहीं, फिर ऊपर देखे आए, उधर देख सब जगह देख लिया, नहीं मिली। फिर अंदर देखा, फिर मिल गई, टंगी मिली।